हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शौर्य और बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है शौर्य कंप्यूटर्स। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि एक मॉनिटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। वेल, ज़्यादा डीप हमें भी नहीं पता है, बट लेकिन आज हमारे पास एक मॉनिटर या TFT है जो डैमेज हो चुकी है और मैं आपको उसकी डैमेज प्रॉब्लम दिखाने वाला हूँ। क्या है उसे हम रिपेयर नहीं करने वाले, उसे हम तोड़ के देखने वाले हैं उसके अंदर क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है मेरे हाथ में एक मॉनिटर और ये मॉनिटर में प्रॉब्लम क्या आई है देखिए। अगर मैं यहाँ से पावर कनेक्ट करता हूँ तो आपको शायद इसकी प्रॉब्लम पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो इसकी प्रॉब्लम आई है वो आई है पैनल में, आप देख सकते हैं डिस्प्ले वाइट हो चुकी है और अब हम इसे तोड़ने वाले हैं एंड इसका होने वाला है काम फतेह। तो क्या करना है इसका, हमें तोड़ ही देते हैं। तो चलिए गाइस, इसे तोड़ते हैं और देखते गाइज, हैं यहाँ अंदर पर क्या मैं होता रेडी है। हूँ इस TFT को खोल के देखने के लिए कि इस TFT के अंदर क्या क्या चीज़ निकलेंगी। वेल, मैं थोड़ा डीप आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, हमें इसके ऊपर वाले पैनल को, इस वाले एरिया को खोलना पड़ेगा। तो कैसे खोलना है, तो देखिए आपको इस तरीके से फिंगर रखनी है और खुल भाई। तो देखिए हम खुलने लगा, ओ माय गॉड, ये देखिए इस तरीके से निकल जाता है। और यहाँ पर ये होती है इसके अंदर, इसका जो कंट्रोल होता है वो इधर कनेक्ट होता है। तो इसको निकाल देते हैं, ये तो टूट रहा है भाई। तो देखिए ये निकल चुका है। तो सबसे पहले इसमें निकला है ये वाला भाग, ये हमारे किसी काम का नहीं है। और अब यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है इसका जो एक छोटा सा पॉइंट है जिसके अंदर मतलब बटन चलता है, ये वो। तो यहाँ से इसको निकालते हैं और ये देखिए निकल गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो यहाँ सबसे पहले निकली है ये इसके अंदर एक स्क्रीन, और इसमें हम एक गुट मार के देखते हैं। मेरा हाथ टूट गया। तो गाइज यहाँ पर देखिए निशान बन चुके हैं, कुछ बन गए ना। तो चलिए गाइज जल्दी से इसको निकाल के देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। इसके लिए हम यूज करेंगे स्क्रू ड्राइवर का। अगर हमारी उंगली टूट गई तो डॉक्टर पैसे भी नहीं देंगे, डॉक्टर को हमें पैसे देने होंगे। तो भाई इसके अंदर निकलती है एक गजब सी लाइट, जिस लाइट को हम निकाल के देखेंगे कैसी है लाइट इसके अंदर। ओह माय गॉड, तो यहां से देखिएगा इसके अंदर ये जो निकला है इसको हम ऐसे निकाल देंगे। और अब आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले ये निकली है एक बेल्ट सी, जिसके अंदर मतलब पावर और आती है डिस्प्ले में, बट लेकिन अब इसमें पावर नहीं आ पाएगी क्योंकि अभी शहीद हो चुकी है। तो ये देखिए इसके अंदर छोटा सा एक लगा हुआ था कनेक्टर वनेक्टर, पता नहीं क्या क्या था जिसे हमने कर दिया है तोड़ फोड़, अभी हमारे किसी काम का नहीं है। तो यहाँ से देखिए अब इसमें निकलेंगी लेयर्स। तो हमने पहली लेयर निकाल दी है और यहाँ से, ओ माय गॉड, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। और यहाँ से हाँ, तो देखिए गाइस इसमें दूसरा निकल रहा है एक प्लास्टिक का कुछ, क्या है। तो देखिए इसमें से गाइस देखिए ये निकली है और एक ये निकला है, एक ये देखिए प्लास्टिक की दो ये निकली हैं और निकला है रिफ्लेक्टर। ये सबसे काम का गाइस होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है इसका, क्योंकि रिफ्लेक्टर जो है बहुत बढ़िया होता है। अगर हमें अपने वीडियो शूटिंग में जैसे ज़रूरत पड़ती है तो उसमें रिफ्लेक्शन का काम ये बहुत अच्छा कर देते हैं। वेल, पैसे बच जाएंगे इसे लगाने के बाद, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको साइड में रखते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए जिस पे मैंने एक पंच करा था तो वो डिस्प्ले कुछ ऐसी हो गई है, आप देख सकते हैं। आप इसमें मेरा चेहरा देखिए आपको दिख रहा है, मेरा कैमरा दिख रहा है इसके अंदर, रिश्तेदार ने मेरा वो, तो मैंने यहाँ कुछ एक जो पंच मारा था वो इस जगह पे मारा था। आप देख सकते हैं कितनी ताकत है मेरे अंदर गाइज। तो एक पंच से ये TFT टूट गई थी। ओ माई गॉड, इसमें मैं अपने सिग्नेचर कर देता हूँ, ये देखिए मेरे सिग्नेचर दिख रहे हैं आपको। तो भाई इस तरीके से इसके अंदर ये निकला है। अब देखिए बात करते हैं इसके मदरबोर्ड की। तो ये है इसका मदरबोर्ड और मदरबोर्ड को हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो भाई यहाँ से मुझे एक दूसरे स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है, तो मैं हो तो भाई देखिए यहाँ पर दूसरा ड्राइवर आ गया, इससे थोड़ा जल्दी हो सकता है तो मैं जल्दी ओपन कर देता हूँ। तो भाई देखिए ये सब मैंने खोल दिए हैं और यहाँ पर इसका पावर पैनल निकल चुका है, ये इसका पॉइंट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस देखिए फिलहाल इसका ये वाला बोर्ड मेरे से निकल चुका है और ये इसका बोर्ड जो है बिल्कुल सही है। मैं आपको बताऊँ, अगर आपको सप्लाई चाहिए, जैसे देखिए यहाँ से हम जो
एसी करंट देंगे और आपको थोड़ा डीसी में सप्लाई चाहिए तो यहाँ से कन्वर्ट कर सकता है आई थिंक, क्योंकि ये जो पावर सप्लाई होती है क्योंकि डिस्प्ले एकदम तो पावर हैवी लेगी नहीं, इसलिए अगर आपको इसमें डीसी करंट कन्वर्ट करना है तो इसमें डीसी भी कन्वर्ट हो सकता है। थोड़ा सा इसमें रिसर्च करनी पड़ेगी, वेल उसके बाद पता लग जाएगा, पर इतने बड़े बोर्ड को संभालेगा कौन। फिलहाल यहाँ पर इस तरीके से देखिए टीएफटी ये थी और ये बन चुकी है, काफी अच्छी लग रही है देखने। तो आज हमने तोड़ के इसमें से निकाला है ये बोर्ड। ओ माय गॉड, अब आप मेरा चेहरा देख सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आपने देखा मैंने इस टीएफटी को तोड़ दिया और ये शहीद हो चुकी है इस समय। इसके अंदर ये चीज़ निकली है, वेल मुझे नहीं पता था इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या झंझट है इसके अंदर। फिलहाल तो ब्रेक हो चुकी है, टूट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अगली वाली कभी मिलेगी तो मैं आपको थोड़ा डीपली उसमें बताऊंगा क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे उनका यूज़ होता है, क्या क्या चीज़ें, तो क्योंकि थोड़ी बहुत रिसर्च मेरे को भी करनी पड़ेगी। बट फिलहाल हाँ, अगर आप अमेजिंग चीज़ जानना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में लाइक सॉफ्टवेयर के बारे में तो मैं आपको बता सकता हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्त, बाय।